बसमिलरमीम हमारे सामने आबादरम लोधी जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट उनकी एक जजमेंट है पी एल डी टू सो टू ज़ीरो सिक्सटीन एट सिक्सटी फाइव इसमें एक शिया खातून की जानब से पटिशन थी कि जनाब वो बेवा है और उसकी कोई औलाद नहीं है तो उसको वरासत से एमोब प्रॉपर्टी से महरूम किया जा रहा है वरासती प्रॉपर्टी से तो उसके हवाले से ये जजमेंट थी जिसमें यह केस डिस्कस हुआ इसमें डिस्कस करते हुए ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने करार दिया कि शिया लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इनहेरिटास चाइल्ड लेस विडो शेयर ऑफ इशू लेस विडो फ्रॉम हर शिया हस्बैंड स्टेट क्वेश्चन ऑफ Competence of a childless widow from Fika -e Jafriya had neither been adjudicated upon by the judiciary as yet, nor codified into law by the legislator. However, Ayat number Bara of Surah Nisa Holy Quran stated that a childless widow was entitled to one fourth share from the leftover estate of her husband. High Court. On such basis, declared that even a childless widow from Fika Jafria would be entitled to claim one-fourth share from the leftover estate of her husband. High court observed that it is it expected that the federal ministry of law would take legislative measures to impose a codified law in such regard in order to protect the rights of Ahle childless widows in getting their due shares from the इनहेरिटेंस ऑफ देयर डिजीज हस्बेंड पैरा 113 सौ तेरह ऑफ मोहम्मदन लॉ बाय डी एफ मुला नॉट अप्रूव्ड इस पर उसने उन्होंने कहा कि जो 113 सौ तेरह नंबर पैरा है डी एफ मुला की किताब अहमद लाला में उसको अप्रूव नहीं किया करती अदालत ये कहा गया कि जनाब खातून को जो वरासत में हिस्से से महरूम किया जा रहा है चाइल्डलेस खतून को जिसकी औलाद नहीं है और वह बेवा हो गई है शीह खातून तो उसका कोई कसूर नहीं कुरान वाज तौर पर आयत नंबर बारह में कह रहा है कि जनाब आप उसको वन फोर्थ शेयर दें तो इसके लिए जो हवाला दिया जा रहा था वो डी एफ मुला की किताब थी और डी एफ मुला की किताब का जो रेफरेंस है डेट इज़ जस्ट रेफरेंस बुक नॉट आ स्टैचूटरी लॉ इट इज़ ऑब्जर्व बाय द लाहौर हाई कोर्ट लाहौर इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज़